नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माने तुला नेट जीआरएफ चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक लेक्चरर की रिक्रूटमेंट निकल के आई है जहां पे सिर्फ आपको पीजी पास है 55% मार्क्स के साथ तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ना तो यहां पे नेट चाहिए, ना जीआरएफ और ना ही कोई बीएड वगैरह चाहिए, और सैलरी आपको 67,000 पर मंथ मिलेगी। तो साथियों, सबसे पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशंस, इसके अलावा देख सकते हैं इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, और मैथमेटिक्स है, उड़िया है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत, सोशोलॉजी, तेलुगु और जूलॉजी। ये देखिए टोटल 22 सब्जेक्ट हैं और सीटों की संख्या सब मिला के 786 है अगर पूरा कैलकुलेट करें तो सीटों की संख्या अच्छी खासी है। साथियों, यहाँ पे एक एक करके हम सभी डिटेल बात करेंगे कि सैलरी तो मैं आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्ट भी बता चुका हूँ, क्वालिफिकेशन कहाँ से आई है, कौन कौन लोग एलिजिबल है, सारे स्टेट के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथियों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नेट जीआरएफ एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि नेट जीआरएफ एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, आप हर जगह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। साथियों, मैं 2 बार नेट जीआरएफ एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूं और मैं अभी एक रिसर्च स्कॉलर हूं, तो मेरे पास इस एग्ज़ाम का अच्छा खासा अनुभव है। तो आप अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल पर नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेज बिल्कुल फ्री मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर रिक्रूटमेंट, पीएचडी एडमिशन, इन सभी चीज़ों के बारे में, हायर एजुकेशन से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो आपका कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथियों, अब हम एक एक करके सारे डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एज लिमिट की बात कर लें, तो अगर एज लिमिट की हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 42 ईयर एज चाहिए। अगर आप 42 ईयर अच्छा खासा एज है आपका, मतलब बहुत देर रखा है, अगर 42 साल के भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनरल कैटेगरी के हैं तो पीजी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे ये सेलेक्ट करेंगे। तो कैरियर असेसमेंट 25 मार्क्स, जहाँ पे कि अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो 25 नंबर मिलेंगे, या तो एमफिल है, या जेआरएफ है, या नेट है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अभी वही मैं बता रहा था कि अगर आप नेट और जेआरएफ कर लेते हैं साथियों तो आपके मौके बहुत ज़्यादा होंगे। जेआरएफ करने पर पीएचडी करने के लिए भी आपको 40,000 से फेलोशिप स्टार्ट होगी, जब एसआरएफ होगा तो वो 50,000 के लगभग पर मंथ पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है 5 सालों के लिए अगर जेआरएफ हो जाता है। नेट हो गया फिर भी आप एलिजिबल हैं और कहीं भी जॉब आती है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपका नेट या जेआरएफ रहता तो 10 नंबर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते। बाकी 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो जिनका नेट और जेआरएफ नहीं है उनको थोड़ा रिटेन एग्ज़ाम में अच्छा करना होगा। उसके बाद 25 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो सारा मेन डिपेंड करता है आपका रिटेन एग्ज़ाम, सबसे ज़्यादा वेटेज है 150 मार्क्स का, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं और सारे डिटेल इसमें। अब देखिए आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा, तो सेंटर आपका ये बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, इन सभी जगहों पे जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये साथियों आपको फ़ी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है, ये वैकेंसी उड़ीसा से निकल के आई है साथियों, ठीक है। और इसमें कुछ और कंडीशंस है एलिजिबल होने के लिए, तो उड़ीसा गवर्नमेंट का एक ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीकनेस है साथियों, कि ये खोजते हैं कि आप कहीं ना कहीं उड़िया आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, नहीं तो आप 10th में उड़िया कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं 10th के आसपास मिडिल स्कूल में, यानी 7 से ऊपर के क्लास में, ठीक है, या उड़िया सब्जेक्ट का कहीं भी आप कुछ भी सीखे हैं, किसी भी जैसे ICSE बोर्ड के जो बच्चे होते हुए वो अलग अलग लैंग्वेज ले लेते हैं, जैसे फ्रेंच है, उड़िया है, तो आप चाहें तो उड़िया भाषा थोड़ा बहुत सीख सकते हैं कोई एक एग्ज़ाम देकर, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि उड़ीसा में वैकेंसी बराबर आती रहती है और हर बार सीटें खाली रह जाती है और आसानी से जॉब वहाँ पे मिल जाता है, अगर सिर्फ उड़िया का एक कोई भी पेपर आप पास कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, और यहाँ पे आपको बड़ी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। दूसरे स्टेट की तरह नहीं है कि रेगुलर वैकेंसी ही नहीं आती, यहाँ पे वैकेंसी हर साल आती है और बहुत आसानी से होता है, क्योंकि थोड़ा ये उड़िया वाला जो कंडीशन लगा देता है इससे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही कम हो जाते हैं साथियों। तो आप इसको अगर एक कर लें, क्योंकि एज भी 42 ईयर्स तक मौका मिलता है, तो आपके बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। आज के कंपटीशन के डेट में आसानी से 70-75 हज़ार की सैलरी वाली जॉब आपको मिल जाएगी। तो जितने भी डिटेल थी लगभग लगभग मैंने साथियों आपको यहाँ पे कवर करा दिया है, ठीक है। अगर अब भी कुछ सवाल आपका बच जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, तो आप
वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो पीएचडी एडमिशन में या नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं आप पेपर वन में या पेपर टू में, ठीक है, तो कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे निकल के आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की पीएचडी एडमिशन की, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो साथियों अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।